का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं वाई राहुल गांधी गिविंग दिस काइंड ऑफ सुरक्षा कवच टू दो यदि राहुल गांधी के इन कुतर्कों को स्वीकारा जाए वैसे तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं 11 अप्रैल 1974 आप ही की परिवार की सरकार थी दो पिस्तौल लेकर एक बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लियामेंट की इसी पब्लिक गैलरी में क्या आप मानते हैं आप स्वीकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की वजह से उतर वो चले गए थे 26 जुलाई 1974 मतलब कुछ ही महीने बाद एक व्यक्ति खंजर के साथ घुस जाता है पब्लिक गैलरी में क्या राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं कि उस समय की सरकार कि जो बेरोजगारी और महंगाई की दर थी वो चरम पर थी तो इसीलिए खंजर लेकर कोई घुस गया था 26 नवंबर उन्नीस एक व्यक्ति एक्सप्लोजिव लेकर चला जाता है खंजर लेकर घुस जाता है उन्नीस में एक व्यक्ति विजिटर गैलरी में जाकर वहां से कूद पड़ता है और उस समय की अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे निशिकांत दुबे जी हमारे सांसद ने ये प्रोसीडिंग्स उसको ट्वीट भी किया है तो उसमें केवल एक दे कर, वार्निंग देकर मात्र एक शाब्दिक वार्निंग देकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है उन्नीस सौ चौरानवे सब उन्हीं की परिवार की सरकारें या उन्हीं के पार्टी के लोगों की सरकारें दो लोग पब्लिक गैलरी में हुड़दंग मचाते हैं ऐसी घटनाओं की फेरिस बहुत लंबी है 2004 से लेकर 14 के बीच में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां पर पार्लियामेंट के पब्लिक गैलरी में या पार्लियामेंट के भीतर इस प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच हुई अब मैं राहुल गांधी आप ही के तर्कों को अपनाते हुए पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इन सारी घटनाओं के पीछे आपकी दादी मां की आपके पिताजी की और सोनिया जी द्वारा संचालित मनमोहन सिंह जी की सरकार की महंगाई दर और बेरोजगारी दर थे। और आपके समय पर तो ये घटनाएं ज्यादा हुई हालांकि मैं इस प्रकार से किसके समय पर कितनी घटनाएं हुई इसमें नहीं जाना चाहता था परंतु यदि इस प्रकार का कुतर्क दिया जाएगा इफ दिस इज दी जस्टिफिकेशन विल बी विच विल बी गिवन फॉर सच काइंड ऑफ एक्शन दैट टेकन प्लेस ऑन ऑफ थर्टीबर देन वन मस्ट आस्क दैट द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन सेवेंटी फोर थ्री टाइम्स इन वन ईयर इन एटी फोर इन फोर एंड बिटवीन टू थाउजेंड फोर एंड फोरटीन ज दैट एविडेंस ऑफ द हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी को लगे कि देश में बेरोजगारी है या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको कैनिस्टर उठाकर पार्लियामेंट के भीतर घुस जाना चाहिए और वहां से उस कैनिस्टर स्मोक बम को खोल देना चाहिए क्या राहुल गांधी इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं क्या राहुल गांधी प्रवोक करना चाह रहे हैं

वो आगे रहते हैं इस प्रकार के इमेच्योर अपरिप